मैं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। एक माँ के लिए उसकी बेटी की शादी से ज्यादा जरूरी और कोई बात नहीं होती। मैडम, अब आप इस घर में नहीं रह सकती। आपको 24 घंटों के अंदर ये घर खाली करना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? और आप है कौन? मैं आपके वकील साहब का असिस्टेंट हूँ। सर को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है पेपर्स वेरीफाई करने के लिए। पेपर्स? जी। कौन से पेपर्स? क्या कर रहे आते हैं? कहाँ हो? बाराती बारात से पहले विदा नहीं होते। लड़की की विदाई तक भी रुकने का इरादा नहीं है। ये कागजात, ये कोई वीजा के कागजात नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी के कागजात हैं, जिन पर इस आदमी ने धोखे से आपकी बेटी के दस्तखत करवा लिए हैं। तुम हो कौन? ये सब हो क्या रहा है? मैं समझाता हूँ। मैम, आपने आस्तीन में एक नहीं, दो नहीं, तीन सांप पाल रखे थे। पहला सांप कुंदन, जो आपकी बेटी से प्यार के लिए नहीं, इसकी दौलत हड़प कर इसे छोड़ने के लिए शादी कर रहा था। दूसरा इसका ये दोस्त विक्रम, और तीसरा इस पूरे खेल की कर्ता धर्ता आनंदी बुआ। फोन पर कुंदन जिस तरीके से बात कर रहा था, मुझे शक हुआ। मैंने उसका पीछा किया और तब इसकी असलियत मेरे सामने आई। बुआ जी और इस इंस्पेक्टर दोस्त के साथ मिलकर कुंदन ने आप दोनों को धोखा देने का प्लान बनाया था। गिरफ्तार तो बुआ जी एक बार पहले भी हुई थी, लेकिन इनके प्यार और इनकी वफादारी की तरह इनकी वो गिरफ्तारी भी नकली थी। आनंदी के साथ इतनी होशियारी आज तक कभी किसी ने नहीं की। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी राज सिंह। ये मत समझना कि मैं गिरफ्तार हो गई तो तुम चैन से जी सकोगे। बस कीजिए दीदी। और तुम्हें तो हमने अपना समझा था, तुम भी इनकी तरह लालची और बेईमान निकले। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस इंसान को। इन सबको गिरफ्तार करके ले चलो। भगवान जी, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मेरी बेटी को ऐसे इंसान के साथ शादी के बंधन में बंधे से बचा लिया। लेकिन तुम्हें सीधे सीधे आकर मुझे और रानी को बताना चाहिए था ये सब करने की क्या जरूरत थी। मैंने कोशिश की थी मैम, लेकिन रानी को कुंदन से शादी करने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। रानी, ये शादी मत करो। कुंदन अच्छा लड़का नहीं है रानी। मैं तुम्हें बर्बाद होकर दिखाऊंगी। मुझे लगा जब तक सबूत नहीं होगा कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मुझे राज से सरदार राजबीर सिंह बनना पड़ा। रानी ने कुंदन से शादी करने के लिए सिर्फ मेरी वजह से हाँ की। भगवान, मेरे हाथों कितना बड़ा अनर्थ होने वाला था। माँ के हाथों से कभी अनर्थ नहीं होता मैम।
माँ अगर गुस्से में डांट भी देती है तो बच्चों की तकदीर सवर जाती है। लेकिन पता नहीं मेरी बेटी की तकदीर कब सवरेगी, कब इसे ऐसा इंसान मिलेगा जो सिर्फ इससे प्यार करेगा, इससे इसकी दौलत से नहीं, जो हर कदम पर मेरी बेटी की रक्षा करे, उसे हर मुसीबत से बचाए। अगर एक सिक्का खोटा निकला तो क्या हुआ मैम, ये दुनिया बहुत बड़ी है। आपकी रानी इतनी अच्छी है कि उसे अपनाने के लिए राजकुमारों की लाइन लग जाएगी। मैं कोई स्टूपिड प्रिंसेस नहीं हूँ जिसे अपना ख्याल रखने के लिए एक प्रिंस की जरूरत हो, समझे तुम? स्मार्ट बनकर मेरी मॉम के साथ सिंपैथी दिखाना बंद करो। मैं अपनी मॉम का भी ख्याल रख सकती हूँ और अपना भी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे जैसे स्टूपिड टिंगर की तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें सिर्फ शादी तक रुकना था ना, तो शादी भी खत्म हुई और तुम्हारा इस घर के साथ साथ भी। सो लीव नाउ। रानी देखो तुम, जा रहा हूं, मुझे भी यहां रुकने का कोई शौक नहीं है। आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू, और मैं आपके लिए जो कुछ नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी। रुको, जब रानी ने मुझसे कहा कि वो तुमसे प्यार करती है तो मैंने उसकी बात का विश्वास किया, और आज मुझे लगता है कि मेरा विश्वास गलत नहीं था। मेरी बेटी जो तुम्हारे लिए महसूस करती है वो बचपना या शरारत नहीं, उसका प्यार है। आप गलत समझ रही हैं मैम। मेरी बात खत्म नहीं हुई मिस्टर सिंह। मैंने एक बार पहले भी तुमसे कहा था कि मैं अपनी बेटी से ज्यादा तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगी, इसलिए आज तुमसे पूछती हूं कि तुम दोनों का सच क्या है। बताओ। हम दोनों का सबसे बड़ा सच ये है मैम कि रानी सचमुच की रानी है और मैं सिर्फ एक रंग, मिट्टी और चांद एक साथ नहीं रहा करते मैम। ये बात रानी भले ही समझने को तैयार ना हो लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं। मिस्टर सिंह, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई, और ये बात भी कि तुम डाउन टू अर्थ हो और प्रैक्टिकल हो। जब मुझे ये पता चला था कि रानी ने तुमसे शादी कर ली है तो मैंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे लगा कि तुम रानी के भोलेपन और उसके जज्बातों का फायदा उठाकर उसकी दौलत के लिए उससे शादी कर रहे हो। पर अब मैं ये जानती हूँ कि ये सच नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में 3 महीने के लिए मैनेजर की नौकरी देती हूँ। तुम्हें आज तक खुद को साबित करने का मौका नहीं मिला, तो मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ सारी दुनिया को ये दिखाने का कि तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद तुम चाहे किसी भी कंपनी में काम करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दिनों तुम हमारे आउटहाउस में रह सकते हो। अगर इन 3 महीनों में मुझे लगा कि तुम मेरी बेटी को खुश रख सकते हो तो मैं फिर खुशी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। मैं किसी इंसान के बारे में ये नहीं देखती कि वो कहां से आया है और कहां है, बल्कि ये देखती हूँ कि वो कल कहाँ हो सकता है। आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हैं? मैं जो भी कर रही हूँ
अपनी बेटी के लिए कर रही, क्योंकि मैं उसे ये सोचने का मौका देना चाहती हूँ कि क्या वो ऐसे इंसान के लिए इंतजार करने को तैयार है जो उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार था, जो मेरी बेटी से प्यार करने की हिम्मत तो रखता है लेकिन उसे मारने की नहीं। मिस्टर सिंह, हाँ या ना कहने से पहले अच्छे से सोच लेना। स्टुपिड टिंगर कहीं का होलसेल में स्टुपिडिटी खरीद के लाया है। इसमें इतना सोचना क्या है? हाँ करो, मॉम को इंप्रेस करो, शादी करो, बात खत्म। इडियट कहीं का, अकल नहीं है इतनी सी भी। चिल कर, ये ले चॉकलेट का। उस राज की प्रॉब्लम क्या है यार? अगर प्यार करता है तो बोल क्यों नहीं सकता? ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। आप डरते हो? मैं किसी से नहीं डरता। आप इस बात से डरते हो ना, जो रहने दी आज से इतनी उम्मीद लगा के बैठी है वो पूरा कर पाओगे या नहीं? ये बात तू समझ गया पर उसे समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं समझना नहीं चाहती प्रीति। मुझे पता है जब दो लोग प्यार करते हैं तो उसमें जितना हॉट चॉकलेट फज होता है उतना करेले का जूस भी, मतलब जितनी खुशी होती है उतना दर्द भी होता है, पर मुझे दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो दोनों मुझे राज दे रहा हो तो मैं रानी से प्यार करना चाहता हूँ, बहुत प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन तब जब मैं इस लायक बन जाऊँ कि रानी को किसी के सामने मुझे अपना पति बोलने में शर्मिंदगी ना हो। किसी को क्या लगता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। जब मॉम अकेले स्ट्रगल कर रही थी तब किसी ने उनका साथ नहीं दिया, जब हमारे लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया तो हम उनकी परवाह क्यों करें? और मैं नहीं चाहती कि राज मेरे लिए कुछ परफेक्ट सी दुनिया बनाए। अगर वो मेरे साथ होगा तो सब कुछ अपने आप परफेक्ट हो जाएगा, पर उसके लिए उस इडियट को मुझे आई लव यू बोलना पड़ेगा। आज रात मैं उससे आई लव यू बुलवा के रहूंगी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? हॉट चॉकलेट फज। तुम्हारा कमरा? ये घर मेरा है और ये आउट हाउस भी मेरा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिना ब्रेक की कार की तरह कहीं भी चली जाओ। कुछ तो सोचा करो। सोच के तो बिजनेस होता है, प्यार नहीं। प्यार तो पागलपन है। तुम्हारे इसी पागलपन की वजह से मैं क्या बोलो? कुछ नहीं। ठीक है, मैं इस डायरी में पढ़ लूंगी। रानी, मेरी डायरी वापस करो। तुमने सुना मैंने क्या कहा? जब तक मैं वो नहीं सुन लेती जो मैं सुनना चाहती हूँ तब तक मैं कुछ नहीं सुनूंगी। देखो जिद मत करो। पहले बोलना था, अब तो कर ली। ठीक है, मुझे भी अपनी चीज वापस लेनी आती है। मैंने कहा मेरी डायरी दो। मैंने राज को आउट हाउस में रहने की परमिशन इसलिए नहीं दी बल्कि इसलिए दी ताकि वो अपने काम पर ध्यान दे सके, इस सब के लिए नहीं। यहां पर ये सब कुछ नहीं चलेगा। वैसे मिस्टर राज, देव नर्सिंग होम में ठीक है ना? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? वो अच्छा है मैम। आपने देव के लिए जो कुछ किया उसके लिए शुक्रिया। पागल।
कौन है? कौन है? तुम? अरे ये सब क्या है? तुमने सुना नहीं अभी तुम्हारी माँ ने क्या कहा? सुना था और गुड गर्ल की तरह माना भी था। मॉम ने कहा था कि उनके घर में ये सब नहीं चलेगा, पर ये तो मॉम का घर है ही नहीं। अच्छा, मुझे नहीं पता था तुम इतनी शातिर हो। शातिर पने पीएचडी कर रखी है, एक बार शादी हो जाए तुम्हें भी सिखा दूंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? क्योंकि तुम मुझसे तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? सनी, ये बहुत बड़ा फैसला है, कोई आसान बात नहीं होती। अगर बात को आसान समझो तो आसान, मुश्किल समझो तो मुश्किल। देखो, मुझे नहीं पता तुमने अपने स्टुपिड से दिमाग में मेरे बारे में क्या राय बनाई है, क्या सोचा है, लेकिन अगर मैं वैसा नहीं निकला तो मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सोचा है तुम उससे भी बहुत अच्छे हो। तुम तो मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे, तुम सबसे अलग हो। तुम ये सब इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? आई डोंट नो, यही तो प्रॉब्लम है। कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हटो मेरे आगे से। करती हो तुम? सॉरी। मुझे जाने दो, यहीं बैठे रहो। और जब तक मैं वो नहीं सुन लेती जो मैं सुनना चाहती हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगे। चलो मेरे साथ। रे? रानी, मुझे नहीं लगता हम दोनों को इस वक्त यहाँ होना चाहिए। फाइन, अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ एक गेम खेलनी होगी। कैसा गेम? तुम्हें ये बलून्स दिख रहा है? तुम्हें इस डार्ट से उन पर एम करना है, और अगर पहले अटेम्प्ट में तुम बलून नहीं बस्ट कर पाए तो फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी। ये क्या बचपन है रानी? बचपना है तो बचपना सही, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम यहाँ से अकेले जाओगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाली, समझे? Stupid tinker. महल में एक लड़का लड़की आए हुए हैं, और जब हम पुलिस से छुपे हुए थे पता चला कि तब भी एक लड़का लड़की आकर यहां रुके थे। वो लोग अगर यहां वो रुके तो हमारे करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी जा सकती है।